पूरी दुनिया में अनंत अंबानी की शादी को बहुत ज्यादा सराहा गया। सदी की सबसे बड़ी शादी उसे कहा जा रहा है। मुकेश अंबानी इस समय कुबेर की तरह है, पैसे की कोई कमी नहीं है उनके पास। तो निश्चित तौर पर जब पैसे की कमी नहीं होती तो वो व्यक्ति ये चाहता है कि मेरे को दुनिया भर की दुआएं मिल जाएं, और वो दिल खोल के उसको फिर दान करता है। हमारे यहाँ पर 8 प्रकार की शादियों का चलन है। 8 प्रकार की शादियाँ हिंदू शास्त्रों के अनुरूप मानी जाती है। हिंदू धर्म दर्शन पॉडकास्ट में मैं रुचि भैराली एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज एक बार फिर हमारे साथ हैं धर्म गुरु H.S. रावत जी, जो एक बहुत ही अच्छे ज्योतिष होने के साथ साथ समाज में एक सकारात्मक सोच को फैलाने में अपना बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं इन पॉडकास्ट के जरिए। तो चलिए एक बार फिर हम उनका मिलकर स्वागत करते हैं। रावत जी, आपका पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। बहुत बहुत धन्यवाद रुचि जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की जो चर्चा का विषय रहेगा वो एक ऐसा विषय है जिसे आज हिंदुस्तान का हर नागरिक, बल्कि ना केवल हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में अनंत अंबानी की शादी को बहुत ज़्यादा सराहा गया। हर जगह उसे पसंद किया गया। जिस तरह से शादी भव्य रूप से की गई, सदी की सबसे बड़ी शादी उसे कहा जा रहा है। एक आम आदमी जब एक रील देखता है अनंत अंबानी की और देखता है कि किस तरह से भव्य आयोजन हुआ, अब वो करोड़पति हैं, मिलीनियर्स हैं, कर सकते हैं, लेकिन एक समाज में एक बहुत बड़ी धारणा है कि हर व्यक्ति का क्या स्टेटस है वो उनके द्वारा की गई बच्चों की शादियों में देखा जाता है। अब ये कहाँ तक सत्य है? अंबानीज की फैमिली को अगर हम नज़रअंदाज कर भी दें तो आम जनता जो है उसे किस तरह का शादी का आयोजन करना चाहिए? क्योंकि कई जगह हम ये भी पढ़ते हैं कि शादी केवल दो दिलों और दो इंसानों के बीच की बात है, एक नया बंधन, एक नया रिश्ता बन रहा है। तो अब आप इस पर थोड़ी रोशनी डालें और हमें बताएं। बिल्कुल रुचि जी, देखिए अनादि काल से जी, जब से ये सृष्टि की उत्पत्ति हुई है तो ग्रहों के आधार पर हर व्यक्ति को कुबेर जी धन देते हैं, और उस धन का वो व्यक्ति अपने ग्रहों के अनुसार, अपने स्टार के अनुसार, अपने भाग्य के अनुसार उसका वो सदुपयोग करता है। त्रेता के अंदर रावण जो था बड़ा वैभवशाली व्यक्ति था, राजा था, विद्वान भी था, उसके पास सोने की लंका थी तो उसका वैभव भी निराला था। बिल्कुल। यानी जो व्यक्ति के पास पैसा होगा अपने सोने के महल भी बना सकता है। बिल्कुल। और आज के युग की अगर मैं स्थिति देखूं, द्वापर की बात करूं तो पांडवों का भी महल बड़ा भव्य था, और उस महल के अंदर ये नहीं पता चलता था कि यहाँ तालाब है या गार्डन है, और उसी तालाब के अंदर दुर्योधन गिर पड़ा था। बिल्कुल। इसका मतलब आपका जो भाग्य है वो ग्रह गति के साथ लिंक होता है। आप बहुत भाग्यशाली हैं तो आपको धन आएगा, और धन आएगा तो आप उसको, धन को दिखाओगे कि भव्यता उस धन के अंदर होती है। धन नहीं है तो भव्यता नहीं होगी। बिल्कुल। कलयुग के अंदर भी ऐसे बहुत सारे राजा महाराजा रहे हैं जिनके शयन कक्ष के अंदर हीरे जवाहरात लगे रहते थे, और कलयुग के अंदर ऐसे राजा महाराजे भी रहे कि जो सोने से लदे रहते थे। बिल्कुल। उनकी शादियों में उस समय लोगों को, ऋषियों को दान धर्म और जितनी इच्छा अनुसार पैसा दिया जाता था, दान दिया जाता था। दान का और धर्म का बहुत गहरा संबंध है। अगर धन नहीं है तो आपके पास दान नहीं है। उसी का एक हिस्सा है अनंत अंबानी की शादी। मुकेश अंबानी इस समय कुबेर की तरह हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है उनके पास में। तो निश्चित तौर पर जब पैसे की कमी नहीं होती तो वो व्यक्ति ये चाहता है कि मेरे को दुनिया भर की दुआएं मिल जाएं, और वो दिल खोल के उसको फिर दान करता है। क्या बात। चारों शंकराचार्य वहां पर आए। अब शंकराचार्य किसी नॉर्मल आदमी के तो जाते नहीं, या तो राजा के यहाँ जाते रहे या धन कुबेरों के पास जाते हैं। चारों शंकराचार्यों को इतना पैसा दिया और इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां दी उसने। तो जब तक शंकराचार्य इस दुनिया में रहेंगे, जब तक शंकराचार्यों का आशीर्वाद
अनंत अंबानी और राधिका अंबानी को रहेगा, क्योंकि जब वो इतनी बड़ी गाड़ी के अंदर घूमेंगे तो 24 घंटे के अंदर कम से कम 50-100 बार तो अनंत अंबानी को दुआ देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और जो पैसा उनको करोड़ों रुपए दक्षिणा में मिला, उस पैसे को भी वो अगर यूज करेंगे तो भी वो कहीं ना कहीं उनको अंबानी परिवार को दुआ देंगे, अच्छे कामों में ही इस्तेमाल, अच्छे कामों में इस्तेमाल होने वाला है। तो ये एक वैभव होता है, और साथ में बड़े बड़े साधु संन्यासियों को, कथावाचकों को बुलाना, सिर्फ जिसके पास जो है वो देके ही जाएगा। तथास्तु, कुशलम अस्तु, मंगलम अस्तु, शुभम अस्तु, कल्याणम अस्तु, यानी वो करके ही जाता है। तो ये राजा महाराजाओं के यहाँ पर भी साधु संत आते थे, वो भी आशीर्वाद देके जाते थे, उनको भी दक्षिणाएं मिलती थी। ऐसा नहीं है कि सब भगवान राम के यहाँ भी शादी के अंदर बहुत साधु संत थे सारे के सारे, तो वो तो सब आते रहे हैं। एक वैभव होता है ये, और उस वैभव को दिखाने के लिए वो इतिहास रच जाता है। तो इस शादी ने एक इतिहास रचा है। अब बात आती है गरीब की, क्या गरीब उनके टक्कर में आ सकता है? नहीं, क्यों? गरीब के स्टार गरीबी वाले हैं, वो तो बमुसक्कल कहीं कहीं पैसा इकट्ठा कर ले थोड़ा बहुत, वो अपनी बेटी के पीले हाथ कर दे, वही बहुत बड़ी बात होती है। और वही कर्ज लेता है जी, वो भी कर्ज लेता है, कर्ज लेता है। तो यहां पर इतना पैसा बहाना, 5,000 करोड़ रुपए लगाना, 5,000 करोड़ में कुछ बड़े बड़े लोगों की, साधु संतों की दुआएं हैं। अब उनके पास पैसा था तो उन्होंने लगाया, लेकिन इस पैसे का कहीं और भी सदुपयोग हो सकता था, बहुत सारी जगहों पर हो सकता था। बिल्कुल। जो इस दुनिया में बहुत गरीब आदमी है उनको खुद अनंत और राधिका जाकर के अपने हाथों से उनकी शादियां करते, यानी इस नॉर्मल शादी को करने के बाद अगर इस पैसे से मेरे हिसाब से हजारों लाखों लड़कियों की शादी हो सकती थी। और जो वो दुआ मिलती ना, वो दुआ परमानेंट होती, ये दुआ तो चलती फिरती रहेगी कि आज साधु हैं कल नहीं रहेंगे, आज कछावाचक हैं कल नहीं रहेंगे। आप देखें कि मान लो 1,00,000 लड़कियों की शादी आपने करा दी, 1,00,000 लड़कियां जब अपने पति के साथ रहेंगी, तो वो 1,00,000 लड़कियां जब पति को प्यार करेंगी अपने अपने शयन कक्ष में, तो उस समय दुआ देंगी कि हे प्रिय, हे प्रीतमा, आज हम दोनों अनंत अंबानी और राधिका अंबानी की वजह से एक हैं, अगर वो पैसा न लगाते तो हम शायद इस स्थिति में ना होते। उनका जब बच्चा होगा, उस बच्चे को प्यार करेंगे, उस समय अंबानी परिवार भी वहां रहेगा कि सिर्फ ये अंबानी जी शादी ना कराते तो ये बच्चा पैदा ना होता। उस बच्चे की जब शादी होगी उस समय भी अंबानी परिवार रहेगा, और जब वो दोनों मृत्यु को प्राप्त होंगे तब भी अंबानी परिवार रहेगा। एक दान इस प्रकार का होता है, समझ समझ की बात है। एक वैभव वाली शादी होती है, और एक रियल रूप में अगर आप दान धर्म करना चाहते हो रियल में, ठीक है उनके पास पैसा है, उनका केदारनाथ के अंदर संकल्प रोजाना सुबह सुबह होता है, तीनों टाइम की आरती, चारों टाइम, पांचों टाइम की आरती में संकल्प होता है, बड़े बड़े मंदिरों में संकल्प होता है, खूब दान करते हैं, क्योंकि वो उनके पास पैसा है। इसलिए रुचि जी, जैसी संगति में व्यक्ति रहेगा, वैभव वाला व्यक्ति वैभव वाले लोगों की संगति में होता है, और वैभव वाले उसी प्रकार की उसको राय देते हैं कि भाई तुम 5,000-10,000 करोड़ रुपए लगा दो, उसे तुम्हारा नाम हो जाएगा। ऐसे पैसे वालों के नाम नहीं रहते कभी, नाम दुआ देने वाले, दुआ लेने वाले सेठों के नाम होते हैं हमेशा। बहुत अच्छी बात है। इसलिए पैसा तो आज है, कल चला जाएगा। इस दुनिया में बड़े बड़े धनाढ्य लोग हुए कौन जानता है, लेकिन इस दुनिया में ऐसे ऐसे ऋषि हुए उनको सब जानते हैं, जिनके पास कुछ नहीं था उनको सब जानते हैं। द्रोणाचार्य के पास में अपने बेटे को दूध पिलाने के लिए, यानी एक गिलास दूध के लिए पैसे नहीं थे, एक गाय के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन आज वो दुनिया में पूजनीय हैं। बिल्कुल है? उनके पास वेद व्यास जी के पास अठन्नी नहीं होगी लेकिन आज वो दुनिया में पूजनीय हैं। अगर आप पूजना चाहते हो, आपकी मृत्यु के बाद अगर आप दुनिया आपके ज्ञान को फॉलो करे,
आपके दिमाग में उनके सूत्र रट जाएं, तो वो एक तरीका, उसका धन के साथ कोई संबंध नहीं होता। ये वैभव वाली शादी थी, इसके अंदर अब जिसके पास जो पैसा है वो अपने तरीके से लगाता है, अब हम कौन होते हैं इसके अंदर उनको राय देने वाले। लेकिन जो मेरा अनुभव कहता है, मेरा अनुभव ये कहता है कि अगर दुआ लेनी है तो परमानेंट लेनी चाहिए, और परमानेंट दुआ मिलती है जब आप किसी के साथ में बहुत अच्छा व्यवहार और बहुत अच्छा उसके साथ में दान धर्म करते हो। मान लो आपने एक बीड़ा उठा लिया कि मुझे 100,000 बच्चों को पढ़ाना है, उनकी मुझे फीस देनी है, अच्छे स्कूलों में और अच्छी नौकरी देनी है। वो जिंदगी भर जब तक जिएगा ना, जब तक वो कभी भी उस पढ़ाई की दी हुई फीस को नहीं भूल सकता, नहीं भूल सकता। डॉक्टर अंबेडकर जी को जिन्होंने पढ़ाया था वो कभी नहीं भूले, उन्होंने अपने इतिहास में लिखा। महात्मा गांधी जी कभी नहीं भूले, जी डी बिड़ला साहब ने उनकी मदद करी थी। इस दुनिया में कोई कभी किसी को भूलता नहीं है, क्योंकि उसकी जब वो मदद की होती है जी। तो इस वजह से ये जो शादी हुई है ये एक वैभव वाली शादी है, और उनकी अपनी सोच है कि भाई बड़े बड़े शंकराचार्य, बड़े बड़े मठाधीश, बड़े बड़े ज्ञानी लोग इसमें आएंगे, वो दुआएं देंगे और उनकी दुआओं से सब कुछ अच्छा हो जाए। तो हो सकता है ऋषि मुनि आते रहे हैं, वो अपना आशीर्वाद देते रहे हैं और उन शादियों को लाभ मिला है जी। तो इसलिए इसका इन शादियों के साथ में जो नॉर्मल शादियाँ होती हैं उनके साथ कोई लिंक, इसको कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो क्या सही तरीका है, क्योंकि आजकल तो कोर्ट मैरिज हो रही हैं, आजकल लोग मंदिर में भी शादी कर लेते हैं, लेकिन देखा जाए तो शादी चाहे कोर्ट मैरिज हो चाहे मंदिर में सात फेरे लगा लिए जाएं, दो परिवारों की बात है, दो फैमिलीज की बात है, दो जनों की बात है, लड़का और लड़की, उनका परिवार और पंडित जी। अग्नि का होना बहुत ज़रूरी है, संस्कारों का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हम क्या करते हैं, पूरे पूरे फैमिलीज आ रही हैं, परिवार में के फ्रेंड्स आ रहे हैं, रिलेटिव्स आ रहे हैं, बहुत लोगों को एक जमावड़ा लगा देते हैं, और एक ये परिपाटी चली आती कि फलाने ने मुझे शादी में बुलाया था, अब हमें भी बुलाना पड़ेगा, 1,000 आदमी आ रहे हैं, तो वो एक बर्डन लड़की के पिता के कंधों पर आ जाता है, इसीलिए वो लोन लेता है और उस शादी को भव्य बनाने की अपनी तरह से बेहतर। यहाँ तक कि अब तो इस तरह का चलन नहीं रहा, लेकिन एक समय था जब दहेज दिया जाता था, और वो भी एक बहुत बड़ा डिप्रेशन और कह सकते हैं ना एक बोझ बन जाता था लड़की के पिता के लिए। तो ये कितना सही है, शादी का सही तरीका हिंदुस्तानी रीति रिवाज से क्या होना चाहिए? रुचि जी, हमारे यहाँ पर 8 प्रकार की शादियों का चलन है। 8 प्रकार? 8 प्रकार की शादियाँ जी हिंदू शास्त्रों के अनुरूप मानी जाती हैं। उसमें एक ब्रह्म विवाह होता है, एक देव विवाह होता है, एक आर्स विवाह होता है, एक प्रजापत विवाह होता है, एक पिशाच विवाह होता है, एक राक्षस विवाह होता है। इस प्रकार के जो विवाह होते हैं ये, इनमें इनकी प्रकार अलग अलग है, और ये जब से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है तब से ये शुरू हुआ है, ये तब से शुरू हुआ है, ये नेचुरल है, ये प्राकृतिक है। इसके अंदर अनादि काल से हमारे ये जो भारत भूमि है ये देव भूमि है जी, बिल्कुल। सबसे पहले यहां पर ज्ञान की उत्पत्ति हुई, और ज्ञान की उत्पत्ति ऋषि मुनियों के कारण हुई, इसलिए उस ज्ञान की उत्पत्ति के कारण ये देखा गया कि यहां समाजवाद है, मनुष्य योनि में समाजवाद है, कुछ जो राष्ट्र उनमें समाजवाद नहीं है। अब जहां समाजवाद होगा तो हम एक समाज के अंदर रहते हैं, और जब समाज के अंदर अगर रहेंगे तो समाज को इकट्ठा भी करना पड़ता है और रीति रिवाजों को फॉलो करना पड़ता है। धीरे 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 डेवलपमेंट हुआ महाप्रलय के बाद में। पहले जनरल हम इन जानवरों की तरह ही थे, और जानवरों की तरह जब थे तो वो एक पिशाच विवाह माना जाता था। अच्छा, पिशाच विवाह माना जाता था जानवरों की तरह रहने पर। क्या आपको कोई लड़की अच्छी लगी, वो सो रही है, पेड़ के नीचे है, झोंपड़ी में है, कोई व्यक्ति आता है,
उसको उठा लेता है सोती हुई को, उसको ले जाता है भगा करके, उसका बलात्कार कर देता है, फोर्सिबली कुछ भी करता है, और फिर अंत में उसको अपना लेता है। यानी उसने उसको जबरदस्ती स्लैग कर दिया, वो किसी दूसरे की ना रहे, तो एक पिशाच हुआ। तो लोगों को लगा यार ये तो स्त्री की असहमति के कारण होता है कि सोते हुए को आपने किसी सोती हुई स्त्री के साथ में अगर इस तरह की हरकत की, और फिर आपने कहा ठीक है मैं तुम्हें शादी कर लेता हूँ, जब वो चाहती भी नहीं है, लेकिन उसको आपने एक तरह से अशुद्ध कर दिया, तो ये पिशाच विवाह में आ गया। अब समाज ने देखा कि यार ये तो बड़ा गलत है, क्या होना चाहिए, तरीका क्या होना चाहिए सही, क्योंकि जो ऋषि मुनि है वो तो रिसर्च करते रहते हैं, रिसर्च करते हैं। तो उन्होंने कहा इसका सही तरीका है ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह में ये है कि लड़का लड़की को देखे, लड़की लड़के को देखे, माता पिता खानदान को देखें, और अपने वर्ण का ख्याल रखें। कौन से वर्ण का है? चार वर्ण होते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। इनका जातियों के साथ कोई संबंध नहीं है, ब्राह्मण जाति के साथ ब्राह्मण का कोई संबंध नहीं है, और क्षत्रिय का क्षत्रिय जाति से कोई संबंध नहीं है। ब्राह्मण वर्ण में शूद्र भी हो सकता है और शूद्र में ब्राह्मण भी हो सकता है। तो उन्होंने सोचा कि अगर कन्या बहुत सुशील है, वर भी बहुत सुशील है, दोनों पढ़े लिखे, दोनों विद्वान है, दोनों ज्योतिषाचार्य है, दोनों धार्मिक है, दोनों कथावाचक हैं, परिवार भी दोनों के अच्छे हैं, तो दोनों परिवारों ने मिल करके लोगों को इकट्ठा करके उसकी शादी कर दी, वो ब्रह्म विवाह, यानी वो अच्छे से चलेगा, सबसे उत्तम इसको माना गया और सबसे निकृष्ट पिशाच को माना गया। अभी और भी कुछ होता था, यानी एक देव विवाह होता था, देव विवाह उस समय पर। देव विवाह की जो प्रचलन है वो कैसे हुआ कि कोई ऋषि मुनि आपके यहाँ आया, ऋषि मुनि को यज्ञ करवाया। अब यज्ञ में यजमान के पास कुछ है नहीं देने के लिए, उसने अपनी कन्या को उस यज्ञकर्ता को दे दिया कि भई आप, मैं कन्या आपको अर्पण करता हूँ, वो देव विवाह में काउंट हुआ। बाद में इसका भी विरोध होना शुरू हो गया कि भई ये देव विवाह भी उचित नहीं है, क्योंकि लड़की की मर्जी है या नहीं, और आपने यज्ञ करने वाले को उसको दे दिया, वो शादीशुदा है पहले से कि नहीं है, कुछ भी नहीं पूछा, कि वो यज्ञ करने आया और उठा करके आपने दे दिया। एक होता था, फिर उनको लगा ये भी ठीक नहीं है, एक आर्स विवाह होता था। उसके अंदर क्या होता था कि कोई भी व्यक्ति पूजा करने के लिए आ गया, और पूजा करते करते यही सेम ऋषि वाला ही इसी तरह से ब्राह्मण था, कोई ब्राह्मण आया और उसको उठा करके दे दिया, तो उसमें कर दिया। एक होता था प्रजापत्य, उसके अंदर क्या होता था, क्या आपने धन दौलत और अपनी बेटी किसी को ऐसे दे दी, यानी जनरल आपने कि भाई उनको दे दिया, हैंडओवर कर दिया और कुछ पैसा ले लिया। अभी भी होता है, अभी भी बहुत सारी जगहों पे होता है, बंगाल के अंदर है, बिहार के अंदर है, भुवनेश्वर के अंदर है, कि बहुत सारे लोग जो हैं पैसा दे करके लड़की लेके आते हैं और फिर उसको पत्नी के तौर पर रखते हैं। इस प्रकार का भी शुरू हुआ। ऐसे ही एक राक्षस विवाह, राक्षस विवाह में क्या होता है कि जबरदस्ती आपने लड़की कोई पसंद आई आपको और आप उठा ले गए उसको, फोर्सिबली उठा ले गए। द्वापर में बहुत देखने को मिला, बहुत दिखा, और कलयुग में भी देखने को मिला। ऐसे विवाह मिलते हैं कि जैसे कि अर्जुन सुभद्रा को लेके आए, उसमें भगवान कृष्ण की मर्जी थी, सुभद्रा की भी मर्जी थी, लेकिन वो उठा के लेके गए, जिसमें वहाँ पर हलधर ने विरोध किया, बलराम जी ने विरोध किया, है ना। तो इस तरह के विवाह भी होते हैं कि आप जबरदस्ती उठा ले जाओ। कलयुग के अंदर पृथ्वीराज चौहान ने संयुक्ता के साथ किया, ऐसे संयुक्ता जयचंद की बेटी थी, वो उसको पसंद करती थी, लेकिन वो उठा ले गए जबरदस्ती और युद्ध हुआ। फिर
एक ये हो गया। इसी प्रकार से एक विवाह और होता है, गंधर्व विवाह। जी, गंधर्व विवाह में यह होता है कि आप चुपचाप कोर्ट मैरिज कर लो, बिना बताए चुपचाप गए और शादी कर ली। तो गंधर्व विवाह में यह होता है कि आप किसी को ना पूछो। पहले जमाने में तो कोर्ट नहीं थे जी, पहले जमाने में तो यह कि आपको पसंद आया और लेके भाग गए आप और जाके कहीं किसी मंदिर में फेरे डाल लिए, ये गंधर्व विवाह में काउंट होता है। लेकिन आजकल वो कोर्ट में भी काउंट हो जाता है कि कोर्ट में जा रहे हैं शादी कर लिए, गंधर्व विवाह में काउंट होता है कि आपको एक दूसरे को पसंद है, आप चाहे उसको लव मैरिज कह सकते हो चाहे गंधर्व विवाह कह सकते हो, आप जा करके फरार हो गए। तो इस प्रकार की शादियाँ प्राचीन समय से चलती आ रही थी। अभी यहाँ पर प्रचलन सिर्फ दो तीन तरह का ही चल रहा है। एक पिशाच का चल रहा है, पिशाच कि जैसे आपने किसी गुमराह करके किसी लड़की को और वहाँ पर उनके साथ में जोर जबरदस्ती की या आपने उनका शारीरिक शोषण किया और फिर मजबूरन आपको पुलिस के दबाव में कोर्ट के दबाव में शादी करनी पड़ी, वो पिशाच है मजबूरी में। कुछ जगह पर प्रजापत भी चल रहा है कि अपनी बेटी को बेच देना उसके बदले धन ले लेना, जो बहुत गलत है, गलत है, बहुत गलत है। कम समय मतलब कम लोग कर रहे हैं इसको, लेकिन हो रहा है, हो रहा है। ये दो बंद हो चुके हैं, देव विवाह अर्श विवाह, जिनके अंदर भी आप हवन करने जा रहे हैं, घर में पूजा पाठ करने जा रहे हैं, आपने भागवत करी और आपने अपनी बेटी को दे दिया या पंडित जी को बेटी को दे दिया, वो खत्म हो चुका है। सन्यासी को दे दिया वो भी खत्म हो चुका है, ये सब खत्म हो चुके हैं। तो अभी एक बुरे वाले अंत में धीरे धीरे रिफाइन होते होते ब्रह्म विवाह को मान्यता मिली और ये उत्तम कोटि का है। इसमें आप अपनी पसंद से लड़का लड़की देखें, परिवार देखें, खानदान देखें, उनका DNA चेक करें, ये पता चल जाए कि भाई ये इनका खानदान क्या है, ये उत्तम कोटि का इसको बोला जाएगा। वो इसलिए कह सकते हैं कि भाई लड़की भी बहुत तंदुरुस्त है, अच्छे परिवार की, अच्छा DNA है उसका, हिम्मत वाली है, पढ़ी लिखी है, सुशील है, डफर नहीं है, लड़का भी उत्तम कोटि का है। उसके जो बच्चे होंगे वो इस दुनिया को रूल करेंगे। राजा महाराजा इसका इस्तेमाल करते थे, वो देखते कि भाई ऐसे राजा की लड़की देखो, ऐसी बेटी देखो कोई ऐसी कि भाई वो बहुत हिम्मत वाली और पढ़ी लिखी और डरती ना हो, उससे हम शादी करेंगे तो उससे संतान ऐसी पैदा होगी। इसका एक उदाहरण मुझे बहुत अच्छे बखूबी से आता है जी। भरतपुर के राजा सूरजमल थे जी। सूरजमल की कई रानियां थी, एक रानी बहुत खूबसूरत थी और दिल्ली के राजा ने कहा कि भाई इस रानी को हमें दे दो और नहीं देते तो युद्ध करो। पहले ऐसे ही होता था, बिल्कुल कोई चीज पसंद आ गई चाहे तो, वो इंसान है चाहे वो नारी है, उसे जबरन उनको चाहिए, उसके लिए युद्ध करना पड़े तो करेंगे करेंगे। तो भरतपुर महाराज तो बड़े दबंग किस्म के राजा थे और उनका ये कैसे हो सके, वो बहुत ही उच्च कोटि के दबंग थे, उन्होंने युद्ध को स्वीकार कर लिया और वो दिल्ली के साथ युद्ध करने के लिए आ गए। युद्ध को जीता उन्होंने और जीत करके वापस जा रहे थे तो दिल्ली से भरतपुर का रास्ता कच्चे रास्ते होते थे तो रेत उड़ता था उस समय पर, उस रेत के अंदर बच्चे खेल रहे थे रोड के ऊपर, कच्ची रोड के ऊपर। तो होडल की, ये होडल का केस है, पलवल से थोड़ा आगे होडल एक जी। वहां पर एक महल भी बना हुआ है और वो महल राजा सूरजमल ने बनवाया था। उस लड़की का नाम किशोरी था, वो भी खेल रही थी, रही होगी 12-13 साल की, तो 12-13 साल की लड़कियां उस समय जवान हो जाती थी। उसने रेत के ऊपर एक महल बनाया था, बच्चे महल महल खेलते ना रेत के ऊपर। तो सेना आगे आगे चल रही थी राजा के, वो हाथी पे बैठे थे तो उन्होंने कहा बच्चे भागो भागो यहां से भागो, राजा साहब आ रहे। कुछ बच्चे भाग गए पुलिस से डर के। वो लड़की ने कहा मैं हटूंगी नहीं यहां से, मैंने बड़ी मुश्किल से ये महल बनाया है, राजा होगा अपने महल का होगा, उनको बोलो बगल से अपने सेना को निकाल ले, अपने हाथी को बगल से लेके जाए, मेरी मेहनत को बेकार, मेरी मेहनत बेकार नहीं होने दूंगी।
सेना ने उठा के फेंक दिया उसको बगल में, फिर वो उठ करके महल के पास आ गई, वही हाल चलता रहा, लेकिन वो लड़की वहां से हटी नहीं। कहता राजा को बोलो कि उधर से निकाल। राजा सूरजमल बड़े विद्वान भी थे और बड़े पराक्रम भी थे, उन्होंने कहा भाई ठीक है, इस लड़की को उठा के मत फेंको कहीं पर भी। और वो उतरे हाथी से, उनका मैं खुद मिलूंगा उस लड़की से, मैं देखता हूँ क्या है ऐसी खूबी। उसने समझाया कि तू यहाँ से हट जा नहीं तो हम तुझे जेल में डाल देंगे। कहता डाल दो जेल में, घर नहीं टूटने दूंगी, मैंने बड़ी मेहनत से बनाया है। बाल मन और वो प्यार उसका उसकी मेहनत पे उसे बड़ा था कि भाई मैं इसको मिटने ना दूं। राजा ने उसके पिता को बुलवा लिया, पुलिस भेज करके। उसके पिता डर गए कि तो लड़की मरवाएगी मुझे, जेल में डलवा देगी। राजा की बात को इसने अवहेलना कर दी। वो डरते डरते आए महाराज की जय हो। उन्होंने कहा भाई तुम्हारी लड़की बहुत जिद्दी है। कहता महाराज जिद्दी तो ये है। कहता ऐसा करो अभी हम यहाँ महल बनवाते हैं, जब ये शादी के लायक हो जाएगी तब इससे शादी करेंगे। इससे जो बच्चा पैदा होगा ना वो बड़ा महान होगा, पराक्रमी लड़की, पराक्रमी लड़की है। और इससे जो बच्चा पैदा होगा वो जो राजकुमार होगा ना वो दिल्ली को तोड़ देगा। और महल बन के तैयार हो गया। फिर राजा साहब ने शादी करी, आए उसको लेके चले गए रानी किशोरी को। उसके लिए भरतपुर में भी अलग महल बना था। उससे एक लड़का पैदा हुआ जवाहर सिंह करके, उसने दिल्ली को तोड़ा था। और जो दिल्ली के अंदर जो किले में गेट लगे हुए थे चित्तौड़ के महाराजा के, महाराणा प्रताप वाले गेट जो लगे थे, वहां से उखाड़ के जो गेट लाए थे वो गेट यहाँ लगे थे। उन गेटों को उखाड़ करके वो भरतपुर लेके गए और उनको बोला महाराज चित्तौड़गढ़ को, उनके जो अनुयायी रहे होंगे बाद में खानदानी लोग, भाई अपने गेटों को आप लेके जाओ, मैं यहाँ से उखाड़ के लेके आया हूँ। तो ये होता है डीएनए। क्या होता है डीएनए? आप इसको सीधी भाषा में ये समझो कि शेर शेर के साथ अच्छी क्वालिटी में क्रॉस करोगे तो अच्छा ही शेर होगा, बब्बर शेर होगा। और सबसे अच्छी बात ये है कि पराक्रमी और इतनी दूरदृष्टि रखना, दूरदृष्टि रखना, दिल्ली को अगर कोई तोड़ेगा तो यही तोड़ेगा और वैसा ही हुआ। तो कुछ मैनिफेस्टेशन भी कह लीजिए और एक पूरी इच्छा शक्ति जब होती है ना तो पूरा एनवायरमेंट उस तरह हम ब्रह्म विभाव बोलते हैं। ब्रह्म। तो फ्रेंड्स बहुत मजा आया, बहुत सारी हमने कहानियां सुनी और इतना कुछ जाना, ना केवल अपने बारे में ज्योतिष के बारे में बल्कि शादियों के 8 नए नए प्रकारों के बारे में। शायद मुझे लगता है मैं भी पहले नहीं जानती थी और आप भी नहीं जानते होंगे। ऐसे ही बहुत से सवाल हैं जो ना कभी आपके जहन में आए होंगे, जिनके जवाब इस पॉडकास्ट में आपको आगे भी मिलते रहेंगे। तो हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।